नमस्कार। चुनावी रण शुरू हो चुका है और जो कि कैंपेन के ऊपर तेजी आती जा रही है, जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 18 से मनोज की धर्मपत्नी सोनिया लाठर यहाँ से उम्मीदवार है और यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह का जनादेश यहाँ पे मिलता नजर आ रहा है। नमस्कार मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आप ये बताइए, जिस तरह आपने डोर टू डोर कैंपेन अभी हमने भी देखा और पीछे भी आप करते आ रहे हैं, तो किस तरह का लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ मैं और मेरे क्षेत्रवासियों को सभी को अभिनंदन करता हूँ मैं। यह मेरे को आप तो देख रहे हो, गाँव के पूरा रुझान दिल से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। तो एक तरफ आपका लाठर गोद की बात करें तो एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे पवन लाठर खड़े हैं, हाँ। तो इससे आपको कितना नुकसान पहुँच सकता? ना कोई नुकसान नहीं। वो तो लड़ाई है उनकी, पवन लाठर की और जो राजेश जज बनते हैं उनकी लड़ाई है दो नंबर की। वो देखो दूसरा नंबर पे कौन आता है जी। आप मतलब अपने आप की फर्स्ट पोजीशन मान रहे हैं? मान नहीं रहे, हमारी है फर्स्ट पोजीशन। आपके पास भी तो सर्वे हमारे से ज़्यादा तो आपको ज्ञान है, आप भी तो पब्लिक में घूम रहे हैं, आपको भी तो पता होगा। आप किन दावों वादों के साथ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारा पहला उद्देश्य है, एक तो हमारे क्षेत्र में जल भराव की बड़ी समस्या है और हमारी पार्टी का आपने नीतियाँ देख ली, दिल्ली में देख ली, पंजाब में देख ली। हमारी सरकार आते ही पंजाब में हमने 35,000 कर्मचारियों को पक्का किया, तो हम दिल्ली मॉडल को यहाँ लेके आने की संभावना करेंगे। जो दिल्ली का मॉडल है, महिलाओं को फ्री बस सुविधा, फ्री इलाज मिलेगा सबको, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सफ़र। तो इसमें जैसे आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और अपने यहाँ पे अपनी मजबूत दावेदार भी ठोक रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कितना समझते हैं आप यहाँ पे? हरियाणा की बात करें, अपने हल्के की बात करें या अपने वार्ड की बात करें? देखो जी, अभी हम आपको हरियाणा का तो सर्वे दे नहीं सकते, बाकी मैं अपने क्षेत्र का सर्वे दे सकता हूँ। हमारी तरफ 80% रुझान लोगों का। अगर आपको यहाँ के लोगों ने सरताज बनाया, आपको जीत दिलाई, तो आप क्या करेंगे वार्डवासियों के लिए? मैं पहले तो जो पानी भराव की समस्या है इसके ऊपर काम करेंगे, सरकार के साथ मिलके इस समस्या को खत्म करेंगे। जब हम पाइपलाइन से बाहर निकलवाएं या ड्रेन का कोई प्रोग्राम करवाएं, तो पहले समस्या हमारी ये रहेगी। दूसरी हमारी समस्या है जो गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी हर गाँव में ना सबसे बड़ी समस्या रही है। हमारी जो भैंसे हैं पानी पिलाते हैं तालाब, उनके अंदर गंदा पानी जाता है, तो हमें व्यवस्था कराएंगे गंदा पानी की अलग से। हाँ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि महिला प्रत्याशी आपके वार्ड से खड़ी है, हाँ। तो महिलाओं के लिए क्या आपका? महिलाओं के लिए हमारा उद्देश्य रहेगा कम से कम हर गांव के अंदर बस सुविधा उपलब्ध कराना लड़कियों के लिए, स्कूल को ले जाने के लिए। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मनोज लाठर जो कि इनकी धर्मपत्नी यहाँ से प्रत्याशी है सोनिया लाठर। तो इसी तरह से जुड़े प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, लिए चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। फिलहाल के लिए मैं अनिल ढांडा, AKD न्यूज़ जींद।